रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी बात आपको सुना रहे हैं। संजय मयूख जी, श्री के शर्मा, श्री खुराना जी, सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हो रही है, इसमें पूरे देश से सभी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, एक दो को छोड़कर करके, कुछ इनकी निजी कारण नहीं होगी। मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, प्रांतों के अध्यक्ष सभी और केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय प्रधानमंत्री सभी उपस्थित हैं। मैं आपके सामने, जैसा अनिल बलूनी जी ने बताया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का जो उद्घाटन भाषण हुआ आज की कार्यकारिणी में, उसके मुख्य अंशों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। ऑनरेबल द पार्टी प्रेसिडेंट एग्जॉर्टेड ऑल द मेंबर ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव टू बी रेडी विद फुल कमिटमेंट टू इंश्योर दैट द बीजेपी विंस ऑल द 9 असेंबली polls scheduled for 2023 as a prelude to 2024 Lok Sabha elections. We have not to lose any state. ये उन्होंने बहुत साफ साफ कहा और स्वाभाविक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद सबसे बड़ी बॉडी है पार्टी, पूरे देश के प्रमुख नेता बैठते हैं, तो ये उनका स्पष्ट संदेश था। आपको मालूम है कि अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने की का फैसला हुआ। बीजेपी बीइंग ए काडर बेस्ड पार्टी एंड ऑल्सो विद एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स, द पीएम हैड गिवन ए मैंडेट दैट वी मस्ट आइडेंटिफाई वीक बूथ्स 100 इन ईच लोकसभा एंड strengthen is by extraordinary outreach at the booth level. In all, 72,000 booths were identified, and today Honorable President conveyed in his address that 1,30,000 booths were reached. तो ये दो महत्वपूर्ण बात थी, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं, 13 फरवरी को कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम।
और ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर बनाया जाएगा, सरकार का भी सहयोग रहेगा, प्रोत्साहन रहेगा, संभवतः प्रधानमंत्री भी जाएंगे इसमें। उन्होंने दयानंद सरस्वती के 2-3 उपदेशों को याद दिलाया, जिसका सबसे प्रमुख था अंतिम स्तर पर खड़े व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए, द लास्ट माइल मार्जिनलाइज्ड मैन इंडिविजुअल मस्ट बी एड्रेस्ड, हिज कंसर्न्स मस्ट बी एड्रेस्ड। और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बड़ी चिंता की गई है, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, भोजन योजना हो, डीबीटी हो, अन्य सुरक्षा के हो, तो किस तरह से अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति इंपावर हुआ है, उन्होंने उसकी विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लक्ष्य और 5 प्रण देश के सामने रखा था, आपको याद होगा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एवरी ट्रेस ऑफ आवर स्लेवरी, भारत की विरासत पर गर्व, होल्डिंग ग्रेट प्राइड ऑन द एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया हेरिटेज, तीसरा विकसित भारत का लक्ष्य, कमिटमेंट टू मेक इंडिया टू ए डेवलप्ड कंट्री, एकता एवं एकजुटता देश में यूनिटी हो, और लास्ट था नागरिकों में कर्तव्य की भावना भी आए। अध्यक्ष जी ने आज पार्टी की ओर से बहुत गर्व से कहा कि मोदी जी ने जिन 5 प्रणों की बात कही है उसमें आज भारत की क्या स्थिति है, भारत के उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया करती है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिस तरह से डेमोक्रेटिकली कोविड में मोदी जी की अगुवाई में मैनेजमेंट हुआ, इसकी उन्हें तारीफ की है। प्रेसिडेंट पुतिन हैज पब्लिकली अप्लॉडेड द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, और यूक्रेन की लड़ाई में पीएम के आग्रह पर, मोदी जी के आग्रह पर जो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से किया था राष्ट्रपति जी से, तो एक दिन के लिए युद्ध को रोका गया हाफ डे के लिए ताकि 32,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि अगर भारत का अतीत देखें तो टेटनस का टीका हो, पोलियो का टीका हो, मीजल्स का टीका हो, उसको आने में कितने समय लगते थे,